journal entries, and already you are very familiar with these journal entries. What happens and why these journal entries happen? इस पे थोड़ी सी explanation हम करते हैं. That when store room से raw material transfer किया जाता है departments को. So basically in this question, the raw material is being transferred to two different departments. Base fab department and number two, finishing department. So how much raw material was issued to base fab? $8,51,000 amounted unit that was given to base fab department. And $6,29,000amounted raw material was issued to finishing department. So in dono departments ko kyunki raw material issue hua hai to inka work in process jo hai wo account debit ho jayega. अब इन दोनों अमाउंट्स का जब हम ऐड करते हैं तो 1.48 मिलियन जो है वो टोटल अमाउंट बनती है जिससे हमने अपने रॉ मटेरियल को क्रेडिट करना है. इस एंट्री से हमें ये पता चलता है कि हमारा रॉ मटेरियल जो है वो 1.48 मिलियन का कंज्यूम हो गया है. लेकिन किन डिपार्टमेंट्स ने कंज्यूम किया है? बेस फैब डिपार्टमेंट ने और फिनिशिंग डिपार्टमेंट ने. और किस एक्सटेंट तक कितनी अमाउंट का कंज्यूम किया वो भी हमें पता चल जाता है. उसके बाद हमने लेबर के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया था तो उसकी जनरल एंट्री भी पास करेंगे. वर्क इन प्रोसेस दोनों डिपार्टमेंट्स का वैसे ही डेबिट होगा जैसे मटेरियल डेबिट होता है, लेकिन क्रेडिट इस पर जो है हम सैलरीज एंड वेजेस पेबल को करेंगे क्योंकि लेबर के हवाले से हम बात कर रहे हैं. तो टोटल 6 लाख की लेबर इस्तेमाल हुई है, उसमें से 3,30,000 की लेबर जो है वो बेस फैब डिपार्टमेंट ने यूज की है और 2,70,000 की जो लेबर है वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट ने यूज की है. फाइनली ओवरहेड्स की हम कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल ओवरहेड्स हमारे 1.07 मिलियन है जिसमें से 6,65,000 जो है वो हमने डेबिट किए हैं वर्क इन प्रोसेस बेस फैब डिपार्टमेंट, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में इतने वर्क इन प्रोसेस के दौरान जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स यूज हुए हैं जिसमें बिजली है, जिसमें वहाँ पे जो मशीन्स हैं उनकी रनिंग की कॉस्ट है, उसमें जो सप्लाईज यूज हुई हैं, ये सब कुछ जितने भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होते हैं ये हमने चैप्टर 1 में जो पढ़े थे वो यूज हुए. और जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है उसके वर्क इन प्रोसेस में हमने $405,000 के जो है वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट के हवाले से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स डेबिट किए. तो यहाँ तक हमारी तीन कॉस्ट्स की तीन एंट्रीज हो गई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. तो मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से जो तीन एंट्रीज हैं वो यहाँ पे हमने पास कर ली. उसके बाद हमने ये देखा कि वर्क इन प्रोसेस जो कम्प्लीट हुआ बेस फैब डिपार्टमेंट में वो ट्रांसफर हो गया फिनिशिंग डिपार्टमेंट में. तो जब फिनिशिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होगा तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट डेबिट होगा. और जो ट्रांसफर हुआ है वो हुआ है 1.85 मिलियन. ये हमें कहाँ से अमाउंट पता चली है जी? ये हमें अमाउंट पता चली है हमारे डेटा से. अगर आपको याद हो तो डेटा को हमने जब स्टडी किया था तो डी में उसने बताया कि ट्रांसफर्ड बेसिक वाइट पेंट फ्रॉम द बेस फैब डिपार्टमेंट टू द फिनिशिंग डिपार्टमेंट विच अमाउंटेड टू दिस अमाउंट. तो ये जो अमाउंट है ये हमने ट्रांसफर की है बेस फैब डिपार्टमेंट से, तो बेस फैब डिपार्टमेंट के वर्किंग प्रोसेस को हमने क्रेडिट कर दिया है. और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में क्योंकि हमने ट्रांसफर की है तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट के वर्किंग प्रोसेस को हमने डेबिट कर दिया. तो इसका मतलब ये कि हमने ये जो एंट्री पास की है ये बेसिकली एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन की अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए की है. तो बेस फैब का काम खत्म हो गया, उसका आउटपुट क्रेडिट हो गया और वो कहाँ पे ट्रांसफर हो गया? फिनिशिंग डिपार्टमेंट से. उसमें उसका इनपुट जो है वो डेबिट. बेस फैब को समय क्या किया है? बेस फैब का काम ये था कि उन्होंने बेस वाइट कलर पेंट जो प्रोड्यूस करना था वो प्रोड्यूस किया और उसको प्रोड्यूस करके आगे फिनिशिंग में भेज दिया ताकि उसमें वो पिगमेंटेशन ऐड करें और उसको पैक करें. ठीक है, तो वर्क इन प्रोसेस जब खत्म हो गया ना बेस फैब डिपार्टमेंट का, तो उन्होंने वर्क इन प्रोसेस ट्रांसफर करना है फिनिशिंग डिपार्टमेंट को. तो वो ट्रांसफर करने की जो जर्नल एंट्री होती है उसमें जो भी डिपार्टमेंट अपना काम ट्रांसफर कर रहा होता है वो अपने वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट करता है. अब 1.85 मिलियन का आपने काम जो आगे ट्रांसफर किया तो आप अपने डिपार्टमेंट के वर्क इन प्रोसेस को 1.85 मिलियन से क्रेडिट करेंगे. अब जिस डिपार्टमेंट के पास वो काम चला गया, जैसे फिनिशिंग डिपार्टमेंट के पास वो काम चला गया, तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट अपने वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करेगा क्योंकि उनके पास वर्क इन प्रोसेस में एडिशन हुआ है. तो वर्क इन प्रोसेस एक इन्वेंट्री का अकाउंट है, तो इन्वेंट्री एक एसेट है, उसमें जब एडिशन होता है उसको हम डेबिट करते हैं. तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट अपने वर्क इन प्रोसेस को 1.85 बिलियन से डेबिट करेगा. समझ आइए? जी सर. तो इसी तरह जब आप फिनिशिंग डिपार्टमेंट जो है अपना काम खत्म कर देगा तो उसके बाद कोई डिपार्टमेंट नहीं है,
उसके बाद वो अपनी फिनिश्ड गुड्स को अपने वेयर हाउस में भेजेगा। तो फिर वहां पे हम क्या करते हैं, अपनी फिनिश्ड गुड्स के अकाउंट को यूज करते हैं। तो सेम काइंड ऑफ एंट्री जो है वो फिनिश्ड गुड्स के लिए इस्तेमाल होती है। तो जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है उसने 3.2 मिलियन यानी 32 लाख का जो काम है वो कंप्लीट करके वेयर हाउस में भेजा है। तो जब फिनिशिंग डिपार्टमेंट अपनी इन्वेंट्री कंप्लीट करके आगे फॉरवर्ड कर देगा तो अपने वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट करेगा 32 लाख से, तो वो डेबिट क्या होगा उसके अगेंस्ट। अब इसके बाद कोई डिपार्टमेंट तो है नहीं, तो इसके बाद फिनिश्ड गुड्स डेबिट होंगे। ओके, तो ये सारी एंट्रीज हैं जनरल एंट्रीज जो हमें पास करनी थी। अब यहाँ पे एक जनरल एंट्री नहीं गिवन, अगर वो गिवन हो तो उसको भी आप लिख सकते हैं, वो है सेल्स की। क्योंकि जब हम सेल्स करते हैं तो वहां पे दो जनरल एंट्रीज होती हैं। एक जनरल एंट्री तो ये होती है कि आपकी जो सेल्स हैं वो कितनी है, जिसमें हम अकाउंट रिसीवेबल्स को डेबिट करते हैं और अपनी सेल्स रेवेन्यू को क्रेडिट करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरी एंट्री पास होती है जिसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करते हैं और अपनी फिनिश्ड गुड्स को क्रेडिट करते हैं। तो वो क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो वी आर नॉट यूजिंग इट, बट दैट कैन ऑल्सो बी वन केस दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ द इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव इन जनरल जर्नल, जो कि हमारी जनरल एंट्री में इन्फॉर्मेशन है, वी हैव टू ट्रांसफर दिस इन्फॉर्मेशन टू टी अकाउंट्स। ओके, टी अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन टी अकाउंट्स में इफ यू रिमेंबर, तो हमें एक चीज नोट करनी है कि हमारे पास वर्क इन प्रोसेस दोनों डिपार्टमेंट का, बेस फैब डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट, इनकी ओपनिंग बैलेंसेस भी गिवन है। देखें, जब उसने हमें जनरल एंट्रीज का डेटा दिया था ना, उसके बाद उसने हमें बताया था कि टी अकाउंट बनाए, उसमें 1.5 लाख जो है वो आपके बेस फैब डिपार्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है और 70,000 आपके फिनिशिंग डिपार्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस हमने टी अकाउंट्स में सबसे पहले लिखने डेबिट साइड पे। तो देखें, जो टी अकाउंट्स है उसमें रॉ मटेरियल्स में सिर्फ क्रेडिट हो रहा है, डेबिट कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि रॉ मटेरियल सिर्फ इश्यू हुआ है दोनों डिपार्टमेंट्स को, बेस फैब को भी और फिनिशिंग डिपार्टमेंट को भी। तो रॉ मटेरियल हमने क्रेडिट कर दिया। क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि देखें, पहली एंट्री में रॉ मटेरियल क्रेडिट हो रहा है। फिर सैलरीज एंड वेजेस पेबल भी एक ही बार क्रेडिट हो रही है सेकेंड एंट्री में, तो उनको भी हमने क्रेडिट कर दिया। उसके साथ हमने लिख भी दिया कि ये बी एंट्री है जिसमें ये क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस बेस फैब डिपार्टमेंट में हमारे पास 1.5 लाख इसका ओपनिंग बैलेंस है। ए में ये 851,000 से डेबिट हुआ है, बी एंट्री में ये 3,30,000 से डेबिट हुआ है। 851,000 से आपको याद होगा रॉ मटेरियल की वजह से डेबिट हुआ है, रॉ मटेरियल लिया था इसने अपनी इन्वेंट्री में ऐड किया। उसके बाद 3,30,000 की लेबर यूज की थी इसने, तो ये हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे ऐड किया। 6,65,000 के ओवरहेड जिसमें डेबिट हुए थे, तो यहाँ पे हमने 6,65,000 डेबिट किया। अब जब आपको याद है कि इसने अपना काम फिनिशिंग डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया था, तो हमने बेस फैब डिपार्टमेंट को 1.85 मिलियन से क्रेडिट किया था। तो यहाँ पे देखें, इस साइड पे क्रेडिट हो गया। तो जब आप अपने डेबिट अमाउंट्स को ऐड करेंगे उसमें से, क्रेडिट अमाउंट को माइनस करेंगे, तो आपके पास इसका बैलेंस आ जाएगा जो कि एंडिंग बैलेंस है $1,46,000। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में भी सिर्फ एक ही चीज क्रेडिट हुई है, वो है 1.07 मिलियन, जो कि टोटल ओवरहेड्स थे हमारे पास सी में, सी एंट्री में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स क्रेडिट हुए, तो इसका अकाउंट भी हमने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद जो वर्क इन प्रोसेस फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, उसमें ओपनिंग बैलेंस 70,000 है, 6,29,000 का मटेरियल वहां पे डेबिट हुआ है, 2,70,000 की लेबर डेबिट हुई है, 4,05,000 के ओवरहेड्स डेबिट हुए हैं, और 1.85 मिलियन कहां से आया जी, बेस फैब डिपार्टमेंट से आया है, जहां पे बेस फैब डिपार्टमेंट को हमने क्रेडिट किया था, वहां पे हमने फिनिशिंग डिपार्टमेंट को डेबिट किया था। अब इस फिनिशिंग डिपार्टमेंट ने अपना 32 लाख का काम जो है वो फिनिश करके फिनिश गुड्स में ट्रांसफर किया था, जिसकी वजह से फिनिश गुड्स डेबिट हुई थी और फिनिशिंग डिपार्टमेंट क्रेडिट हुआ था। तो यहाँ पे फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आप डेबिट अमाउंट्स को ऐड करें, उसमें से क्रेडिट को माइनस करें, तो 24,000 का आपका एंडिंग बैलेंस बच जाता है। तो आपके सारे टी अकाउंट्स रेडी हैं और आपके पास उनके एंडिंग बैलेंसेस भी हैं। एनी क्वेश्चन सो फार, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका क्लियर है जी? ये इजी है, ये वो चीज है जो आप फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के कोर्स से पहले दिन से करते आ रहे हैं। सर ऊपर थोड़ा सा करें सर, वो एक एंट्री देखनी थी और टी अकाउंट की फिनिश गुड्स की, बस ठीक है सर। देख तो फिनिश गुड्स की बस वो टी अकाउंट है, वो नोट कर रहा था सर इस बार। ओके श्योर, अंडरस्टूड। ओके, सो नेक्स्ट इज वी हैव टू वर्क विद द इक्विवेलेंट यूनिट्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें हमने ये चीज देखनी है कि इक्विवेलेंट यूनिट्स को
हम कैसे देखेंगे, मतलब इक्विवेलेंट यूनिट्स को हम दो तरीके से देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें लेबर कॉस्ट भी दी हुई है, मटेरियल कॉस्ट भी दी हुई है और ओवरहेड कॉस्ट भी दी हुई है, तो हमने तीनों के हवाले से इक्विवेलेंट यूनिट्स को देखना है। लेकिन आपको याद होगा कि हमने एक और चीज भी डिस्कस की थी, वो थी कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में हम ये करते हैं कि मटेरियल अलग हो जाता है और जो लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट है उन दोनों को ऐड कर देते हैं अंडर कन्वर्जन कॉस्ट। तो दो हेडिंग्स आ जाती हैं हमारे पास, एक मटेरियल्स की, एक कन्वर्जन कॉस्ट की, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए सैंपल जो क्वेश्चन था उसमें एक्सप्लेन किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें मटीरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों चीजें दी हुई हैं, तो हम इन तीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने जब इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालनी है तो उसमें दो चीजें आएंगी। नंबर वन, हमने ये देखना है कि कितने यूनिट्स कंप्लीटेड थे जो कि बेस फैब डिपार्टमेंट ने फिनिशिंग डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिए। मैं रिपीट करता हूँ कि कितने यूनिट्स कंप्लीटेड थे जो कि बेस फैब डिपार्टमेंट ने फिनिशिंग डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द फिनिशिंग डिपार्टमेंट 370,000। तो 370,000 यूनिट्स हमने ट्रांसफर किए जो कंप्लीटेड थे। इसी के साथ हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि कितने यूनिट्स हैं जो कंप्लीट नहीं हुए, जो ट्रांसफर नहीं हुए लेकिन वो बेस फैब डिपार्टमेंट के वर्क इन प्रोसेस में अवेलेबल है, तो वो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। ठीक है, मटेरियल के हवाले से, लेबर के हवाले से और ओवरहेड के हवाले से। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है ये भी देख लें, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से ही आई है। यहाँ पे हमें ये भी पता है कि यूनिट्स इन प्रोसेस ऑन अप्रैल 30th विच वर नॉट कम्प्लीटेड, दे आर 50% कम्प्लीटेड विद मटीरियल एंड लेबर ओवरहेड में 25% ईच कम्प्लीटेड हैं, वो है 80,000 यूनिट्स। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमने क्वेश्चन से लिए। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने यहाँ पे ये देखना है कि कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं प्रोडक्शन के जो कि बेस फैब डिपार्टमेंट में थे या वर्क इन प्रोसेस में थे उसके बेस फैब डिपार्टमेंट के। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड वो है 370,000। तो हमने मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीनों में लिख दिया कि हमारे 370,000 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीटेड हैं, मटेरियल के हवाले से भी, लेबर के हवाले से भी और ओवरहेड के हवाले से भी। और ये 370,000 यूनिट्स हमने बेस फैब डिपार्टमेंट से फिनिशिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए। अब एट द एंड ऑफ द डे 30th अप्रैल को हमारे पास 80,000 यूनिट्स थे जिनका 50% मटेरियल कंप्लीटेड था। तो हमने 80,000 का 50% 40,000 बनता है, तो मटेरियल्स में हमने लिख दिया कि 40,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स कंप्लीटेड हैं मटेरियल के हवाले से। इन रिस्पेक्ट टू द मटेरियल 50% वर्क ऑफ द 80,000 यूनिट्स इज कंप्लीटेड। सो हमने उस 80,000 का 50% यहाँ पे लिख दिया और 80,000 का 25% लेबर में कंप्लीटेड है, सो वहां पे 20,000 लिख दिया क्योंकि 80,000 का 25% जो है वो 20,000 बनता है, और इतना ही ओवरहेड्स में कंप्लीटेड है तो हमने वहां भी 20,000 लिख दिया। अब हम टोटल करते हैं, ये यूनिट्स हमने कंप्लीटेड 100% कंप्लीट थे और ये हमारे मटेरियल के हवाले से 50% कंप्लीट। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 410,000 यूनिट हमारे मटेरियल के हवाले से हैं, 390,000 यूनिट जो हैं वो हमारे लेबर के हवाले से हैं और 390,000 यूनिट ओवरहेड के हवाले से। ये कौन से यूनिट्स हैं? दीज आर इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि बेस फैब डिपार्टमेंट के हमने कैलकुलेट किए हैं। तो बेस फैब डिपार्टमेंट के इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। मटेरियल में 410,000 हैं, लेबर में 390,000 हैं और ओवरहेड्स में 390,000। अब हमने हर यूनिट की कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है, हमने इनकी कॉस्टिंग भी करनी है कि इन पे पैसे कितने लगे। तो अगेन कॉस्ट में जो डेटा है वो मटीरियल का भी डेटा होगा, लेबर का भी डेटा होगा, ओवरहेड का भी डेटा होगा। तो तीनों कॉलम्स में हमने कॉस्टिंग करनी है। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री होना चाहिए कि जब हमने काम शुरू किया, वर्क इन प्रोसेस शुरू हुआ, तो उस वक्त इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी थी, कहाँ से मिलेगी? अगेन क्वेश्चन से मिलेगी। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट डेटा दो तरह के दिया हुआ है, बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री और फिर ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द अप्रैल। तो ये दोनों को हमने कॉस्टिंग के लिए इस्तेमाल करना है। तो पहले हम बिगिनिंग वाला यूज करेंगे ताकि हमें पता चले कि शुरू में हमारी कॉस्ट कितनी थी और ड्यूरिंग द मंथ कितनी कॉस्ट लगी है। तो देखें जो बिगिनिंग कॉस्ट थी उसमें हमारा जो मटेरियल है उसमें $92,000 था, लेबर में $21,000 और ओवरहेड्स में $37,000। फिर ड्यूरिंग द मंथ हमारे कितनी कॉस्ट इंकर करनी पड़ी है, 8 लाख
51,000 हमें मटेरियल में लगा है, 3,30,000 लेबर में और 6,65,000 ओवरहेड्स में हमारी कॉस्ट आई। तो अगर हम इन दोनों कॉस्ट को मिला लें तो हमारी टोटल कॉस्ट बन जाती है। तो 9,43,000 हमारी मटेरियल में टोटल कॉस्ट लगी है, प्रोडक्शन में कौन से डिपार्टमेंट में, बेस फैब डिपार्टमेंट, लेबर में हमारी 3,51,000 टोटल कॉस्ट लगी है और ओवरहेड्स में 7,02,000 टोटल कॉस्ट। अब देखिए हमारे पास क्या चीजें अवेलेबल है, दो चीजें अवेलेबल है, कॉस्ट भी टोटल कॉस्ट अवेलेबल है और टोटल यूनिट्स भी अवेलेबल है। तो कॉस्ट को यूनिट्स पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तो मटेरियल के हवाले से कितने यूनिट्स कंप्लीटेड है, हमारे 4,10,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स अवेलेबल है। तो 9,43,000 को जब 4,10,000 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.30। सो हर यूनिट के लिए हमें कितनी मटेरियल कॉस्ट इंकर करनी पड़ी है जी, $2.3 पर यूनिट, पर इक्विवेलेंट यूनिट। इसी तरह लेबर में 3,51,000 कॉस्ट थी और 3,90,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया हमने, 351/390 इक्वल टू 0.90। सो $0.90 ऑफ लेबर वर इंकर्ड ऑन इक्विवेलेंट यूनिट्स, ईच इक्विवेलेंट यूनिट। इसी तरह ओवरहेड में 7,02,000 जो है उसको 3,90,000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास $1.8 पर यूनिट इक्विवेलेंट यूनिट जो है वो ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। तो हमने यहाँ तक यूनिट्स भी कंप्लीट कर लिए जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं वो भी मटेरियल लेबर और ओवरहेड के हवाले से, और हमने मटेरियल लेबर और ओवरहेड की पर इक्विवेलेंट यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली। क्या तक क्लियर है जी? इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग यू कैन आस्क मी, दिस इज जस्ट गेटिंग द डेटा फ्रॉम क्वेश्चन एंड पुटिंग इट ऑन द राइट स्पॉट, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ डेटा जो है वो आपने सही जगह पे रखा, डाटा सारा गिवन है उसको सारा सब सीखना। हाँ जी बिल्कुल, बस कैलकुलेशन आपने करनी है। फिर वो कहते हैं द कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैन देन बी असाइंड टू द यूनिट्स इन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी एंड द यूनिट्स ट्रांसफर्ड एज आउटपुट। अब देखिए हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स भी कैलकुलेट कर लिए और इक्विवेलेंट यूनिट्स की कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली, लेकिन अब हमने ये देखना है कि जो हमने यूनिट्स ट्रांसफर आउट किए हैं और जो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस में इन्वेंट्री रह गई है उस पे ये कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं हम। तो देखिए हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री थी वर्क इन प्रोसेस में वो कितनी थी, इक्विवेलेंट यूनिट्स में अगर देखें 40,000, 20,000 और 20,000, ये एंडिंग वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री थी बेस फैब डिपार्टमेंट में। ये अभी हमने देखिए यहाँ पे यूज भी किया हमने, ये देखें 50% इस पे मटेरियल कंप्लीट है, 25% इस पे लेबर और ओवरहेड कंप्लीट है। तो ये 40,000, 20,000, 20,000 यहाँ से यूनिट्स आए। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्विवेलेंट कॉस्ट के साथ, तो हमने $2.3 मटेरियल कॉस्ट इक्विवेलेंट कॉस्ट निकाली, लेबर की 0.90 निकाली और ओवरहेड की 1.80 निकाली। तो यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया हमने कॉस्ट के साथ, मटेरियल के 40,000 को 2.3 से मल्टीप्लाई किया तो 92,000 आ गया, लेबर के 20,000 को 0.9 से मल्टीप्लाई किया तो 18,000 आ गया, 20,000 ओवरहेड में थे यूनिट्स इक्विवेलेंट यूनिट्स, उनको इक्विवेलेंट यूनिट कॉस्ट से 1.8 से मल्टीप्लाई किया तो 36,000 आ गया। अब इन तीनों कॉस्ट को मैं ऐड करता हूं तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, 1,46,000। ये कौन सी प्रोडक्शन कॉस्ट है, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की प्रोडक्शन कॉस्ट है 1,46,000। तो जो यूनिट कंप्लीट होके आगे ट्रांसफर हो गए थे वो कितने थे, 3,70,000। उन पे भी सेम रेट अप्लाई करें जो हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स का अप्लाई किया है तो जो टोटल कॉस्ट निकलती है वो है 1,08,50,000। ठीक है, तो अब आपको याद होगा यही वो कॉस्ट है जो हमने अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की थी। तो इसका मतलब है कि हमने रिकनसाइल कर लिया है, हमें समझ आ गई है कि सेम कॉस्ट है। अब कॉस्ट रिकनसिलिएशन बनाने के लिए हमने ये वाली कॉस्ट यूज करनी है जो कि कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट है जो अगले ट्रांसफर हुई है, और इसके बाद फिर हमने एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट यूज करनी है। तो कैसे रिकनसाइल करते हैं, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, कि कितनी कॉस्ट है जो हम अकाउंटेड फॉर है जो हमने देखनी है। हमारे पास कॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कितनी थी, 1,50,000। ये कहाँ से आई, हमारे क्वेश्चन में हमें बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट दी हुई है 1,50,000, ये है 150,000, ये टोटल इन्हीं से बनती है। तो बिगिनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट जो थी वो थी 1,50,000, उसमें जो हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट ऐड हुई है वो है 1,846,000। ये कहाँ से आई है जी, हमारे पास यहाँ से, ये हमने निकाली थी यहाँ पे कि ड्यूरिंग द मंथ हमारी कितनी कॉस्ट लगी है, 1.846 मिलियन।
तो ये दोनों कॉस्ट हमारी ऐड करके कितनी बनती है 1.996। अब जो इक्विवेलेंट यूनिट्स की हमने निकाली वो हमने दो कॉस्ट निकाली 1,46,000 और 1.850। इन दोनों को भी ऐड करें तो वो वही अमाउंट बनती है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि बिगिनिंग इन्वेंटरी में इतनी कॉस्ट थी, ड्यूरिंग द मंथ इतनी कॉस्ट लगी, टोटल कॉस्ट जो है वो 1.996 मिलियन जो है वो हो गई। इसी तरह जो हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स की कॉस्ट निकाली कैलकुलेट करके, वो भी दोनों ऐड करें तो सेम कॉस्ट बनती है, तो इससे हमारी रिकंसिलिएशन भी होगी। तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। समझ आई कैसे करना है जी? यस सर। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं उसमें जो डिफरेंसेस आएंगे वो मैंने साथ साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं कि इस डाटा में सेल्स का डाटा भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो जब सेल्स का डाटा होगा तो उसकी एंट्री आएगी, और उसके बाद ये डाटा भी इन्वॉल्व हो सकता है कि आप ओवरहेड और लेबर दोनों को इकट्ठा कर दें, कन्वर्जन कॉस्ट। तो यहाँ पे फिर दो कॉलम्स बनेंगे, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। तो उस केस में दो कॉलम्स बनेंगे, बाकी सब कुछ यही होगा। किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना डाटा दिया होगा कि आपने उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं, किसी क्वेश्चन में आपको इतना डाटा दिया होगा कि आपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, लेकिन ओवरऑल यही सब कुछ इस चैप्टर में है जो कि आपने करना है। आपको जनरल एंट्रीज भी पास करनी आनी चाहिए, टी अकाउंट्स भी बनाने आने चाहिए, आपको इक्विवेलेंट यूनिट्स भी कैलकुलेट करने आने चाहिए, आपको उन इक्विवेलेंट यूनिट की कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, उसके बाद आपकी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनानी आनी चाहिए जिसमें आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को इक्विवेलेंट कॉस्ट के साथ कंपेयर कर सके। गॉट दिस? यस। एनी क्वेश्चंस? मुझे तो कोई क्वेश्चन, मैं तो नोट कर लिया, देगी भी। प्रीटी इजी आई थिंक। सर बिल्कुल। ओके, सो हम में से कौन ये अटेम्प्ट करेगा इस चीज को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे डिजाइन करने की? कौन एक्सेल पे ज्यादा अच्छा है जी, बताएं। इसमें मैं तो हम ये कर सकते हैं कि जो असाइनमेंट मैं आपको दूंगा उसमें आई विल हैव फोर क्वेश्चंस, तो उसमें तीन क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आप मैन्युअली ऑन पेपर करेंगे, उसको आप स्कैन करके जैसे आप असाइनमेंट्स पहले अपलोड करते रहे वैसे अपलोड करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, उसको आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिजाइन करना है। डोंट वरी अबाउट इट, व्हाट वी विल डू इज कि हम इसकी एक, जिस तरह हमने आज एक क्वेश्चन किया है ये जो पेपर क्वेश्चन है, इसी तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक एग्जांपल जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस सर। लेकिन मैं अभी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि मुझे दो और चीजें रिक्वायर्ड हैं आपसे। नंबर वन, रीडिंग ऑफ द चैप्टर। आपने चैप्टर को खुद से रीड करना है। इस चैप्टर को आप रीड करेंगे तो बिलीव मी, अगर आपने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो है उसमें कुछ छोड़ा तो वो भी आपका साथ में रिवाइज हो जाएगा सारे का सारा। और दूसरा ये है कि देयर विल बी अ क्विज फ्रॉम दिस चैप्टर, उस क्विज की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके ओके सर।